हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फूड इज़ लाइफ। आई एम उस्मा हियर। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार खट्टी मीठी इमली की चटनी की रेसिपी शेयर करूँगी। स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने तकरीबन आधा पाव इमली लिए हैं, जिसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। इसको मैं देखची में डालूँगी और इसमें मैं तकरीबन 3 बड़े ग्लास पानी के डालूँगी। फिर हम इसमें तकरीबन चुटकी बराबर नमक और आधी चम्मच लाल मिर्च शामिल करेंगे और आधा प्यारी चीनी डालकर इसको पकने के लिए रख देंगे और तकरीबन 35 से 40 मिनट लग जाएंगे पानी को थोड़ा ड्राई होने में और इमली को सॉफ्ट होने में। हम हल्की सी आंच पर इसको रख देंगे, पर इमली का पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है और इमली बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी और इमली की जो गिटकी हैं वो ऊपर आ जाएंगी और हम इन गिटकों में से गुदे को अलग कर लेंगे इमली के। मैं इसके ऊपर से ये ठंडा होने पर, थोड़ा सा ठंडा होने पर मैं इसमें से तमाम गुदा अलग कर लूँगी। यहाँ मैंने गिटकियाँ अलग कर ली हैं और इमली गुदा मैंने अलग कर लिया है। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि इमली का एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर बन के तैयार हो जाए। फिर जस्ट 1 मिनट हम ब्लेंडर को चलाएंगे। यहाँ हमारी इमली बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और यहाँ पर मैं इसमें गिरी मेवे और गार्निशिंग के लिए बादाम, जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। उसके इमली चाट तैयार होने के साथ ही मैंने यहाँ पर चने चाट भी तैयार कर ली थी। इसमें प्याज, टमाटर, इमली की चटनी, चाट मसाला और लेमन डालकर तैयार कर लिया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।